Hello, I'm Gagan from 5th grade. I am going to tell about Excel formulas. So first formula is sum. If ये हमें month दिया था, ये states हैं, ये sales हैं, तो हमें बताना है कि पंजाब की इन 3 month में कितने sales हुई है. तो formula है is equal sum if bracket open next state select comma next Punjab select comma next sales select ब्रैकेट क्लोज एंटर. तो हमारे पंजाब की सेल्स निकल जाएंगी. तो नेक्स्ट इज गेट डे मंथ एंड ईयर. ये हमें डेट जो है था हमें बताना है कि इस डेट को कौन सा डे था, मंथ था एंड ईयर था. तो फॉर्मूला है इज इक्वल टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन नेक्स्ट वैल्यू सिलेक्ट कोमा अपोस्ट ऑफिस फोर टाइम्स डी अपोस्ट ऑफिस ब्रैकेट क्लोज एंटर. तो हमारा डे निकल जाएगा. जो हमारा डे निकला उसको क्लिक करके उसके कॉर्नर पर डबल क्लिक करने से हमारे बाकी के डे निकल जाएंगे. तो नेक्स्ट इज मंथ. मंथ का फॉर्मूला इज इक्वल टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन नेक्स्ट वैल्यू सिलेक्ट कोमा अपोस्ट्रोफी एस नेक्स्ट फोर टाइम्स एम अपोस्ट्रोफीस ब्रैकेट क्लोज एंटर. तो हमारा मंथ निकल जाएगा. तो हमारा मंथ निकला उसको क्लिक करके उसके कॉर्नर पर डबल क्लिक करने से हमारे बाकी के मंथ निकल जाएंगे. तो नेक्स्ट इज ईयर. ईयर का फॉर्मूला है इज इक्वल टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन नेक्स्ट वैल्यू सिलेक्ट कॉमा अपोस्ट ऑफिस नेक्स्ट फोर टाइम्स वाई अपोस्ट ऑफिस ब्रैकेट क्लोज एंटर. तो हमारा ये निकल जाएगा. और जो हमारा ये निकला उस पर क्लिक करके उसके कॉर्नर पर डबल क्लिक करने से हमारे बाकी के निकल जाएंगे. तो नेक्स्ट फॉर्मूला इज DSUM. DSUM तो हमें ये बताना है कि इसमें CPU की अमाउंट कितनी है. तो उसका फॉर्मूला है इज इक्वल DSUM ब्रैकेट ओपन नेक्स्ट टेबल सिलेक्ट कॉमा नेक्स्ट अमाउंट सिलेक्ट कोमा नेक्स्ट प्रोडक्ट सिलेक्ट ब्रैकेट क्लोज एंटर. तो हमारा CPU की अमाउंट निकल जाएगी. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.